की इंटरमीडिएट परीक्षा का आयोजन बिहार राज्य के सभी जिलों में 1464 केंद्रों में कल दिनांक 1 फरवरी से प्रारंभ किया जाएगा, जो बिहार के सभी जिलों में 11 फरवरी तक चलेगी। इस परीक्षा में कुल 13,18,227 परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से 6,36,432 छात्राएं और 6,81,795 छात्र सम्मिलित होंगे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी परीक्षा का आयोजन पूरी तरह कड़ाई के साथ, जीरो टॉलरेंस के साथ में, स्वच्छ और कदाचार रहित तरीके से कराने हेतु सभी प्रकार की आवश्यक कार्रवाइयां बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्तर से की गई है और सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों, प्रमंडलों के प्रमंडलीय आयुक्तों, पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक के साथ बैठक आयोजित कर सभी लोगों को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए। सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में जोनल, सुपर जोनल और सब जोनल दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी केंद्रों पर पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर के अंदर धारा 144 प्रख्यापित की गई है सभी जिलों में, जहां किसी भी प्रकार के अनधिकृत रूप से व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रथम पाली की परीक्षा का समय 9:30 बजे से शुरू होकर 12:45 तक होगा और द्वितीय पाली की परीक्षा का समय 1:45 से शुरू होकर 5 बजे तक होगा। सभी परीक्षार्थियों को यह निर्देश दिया गया है विभिन्न माध्यमों से, एडमिट कार्ड के माध्यम से और अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से, कि परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पूर्व तक ही किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 10 मिनट के अंदर की अवधि में किसी भी परिस्थिति में किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा देखा गया है कि पूर्व के वर्षों में कभी कभी कुछ परीक्षार्थी पहले दिन अपेक्षाकृत विलंब से पहुंचते हैं, इसीलिए यह सभी लोगों को अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से यह सुझाव दिया गया है कि यथासंभव परीक्षा प्रारंभ होने के कम आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि ट्रैफिक जाम या किसी भी अन्य कारण से या परीक्षा सेंटर खोजने में जो परेशानी होती हो उस कारण से किसी की भी परीक्षा नहीं छूटे। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि कम से कम आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षार्थी, विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्रों में जूते और मोजे पहनना वर्जित रहेगा और वह किसी भी प्रकार के चप्पल पहनकर ही विद्यालय के परीक्षा केंद्र में वह प्रवेश कर सकते हैं। विभिन्न कारणों से पूर्व के वर्षों में भी इसको कई बार लागू किया गया है, कभी कभी किसी कारणवश इसको मौसम की स्थिति को देखते हुए बीच में इसको स्थगित भी किया गया था, किंतु इस वर्ष मौसम की अनुकूल परिस्थिति को देखते हुए पुनः इस व्यवस्था को लागू किया गया है कि परीक्षा में विद्यार्थियों का जूता मोजा पहनकर प्रवेश वर्जित रहेगा। जैसी व्यवस्था कई अन्य परीक्षाओं में भी यह व्यवस्था लागू की जाती रही है, उसी प्रकार इस व्यवस्था को लागू किया गया है और इसके लिए सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि तदनुसार ही कार्रवाई करेंगे और उसी अनुसार से परीक्षा में भाग लेना सुनिश्चित करें। शुरू हो रहा है इस वर्ष जितनी भी परीक्षाएं अब से बिहार बोर्ड में आयोजित की जाएंगी, बिहार बोर्ड की किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 10 मिनट के अंदर की अवधि में किसी भी परिस्थिति में किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा देखा गया है कि पूर्व के वर्षों में कभी कभी कुछ परीक्षार्थी पहले दिन अपेक्षाकृत विलंब से पहुंचते हैं, इसीलिए यह सभी लोगों को अखबारों में विज्ञप्ति के माध्यम से यह सुझाव दिया गया है कि यथासंभव परीक्षा प्रारंभ होने के कम आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि ट्रैफिक जाम या किसी भी अन्य कारण से या परीक्षा सेंटर खोजने में जो परेशानी होती हो उस कारण से किसी की भी परीक्षा नहीं छूटे। इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि कम से कम आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्रों पर सभी परीक्षार्थी पहुंचना सुनिश्चित करें और किसी भी परिस्थिति में 10 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है
और यदि कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में इन गैजेट्स के साथ में पाया जाता है तो न सिर्फ उसको निष्कासित किया जाएगा बल्कि वैसे परीक्षार्थी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उनको अन्य कानूनी कार्रवाई भी जुर्माना सहित उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ सुई वाली घड़ी मैकेनिकल वॉच उसी की अनुमति दी गई है, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉच स्मार्ट वॉच मैग्नेटिक वॉच इन सबों की अनुमति पूरी तरह से निषिद्ध की गई है, प्रतिबंधित किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था पर्याप्त संख्या में की गई है ताकि केंद्रीकृत रूप से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और कंट्रोल रूम के माध्यम से उन सीसीटीवी की गतिविधियों को मॉनिटर किया जाएगा जिससे परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा सकेगी। सभी प्रश्नों में 10 क्वेश्चन सेट्स तैयार रहेंगे, सेट नंबर ए से लेकर सेट नंबर जे तक, ताकि किसी भी परीक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सेट ए से लेकर सेट जे तक 10 सेट प्राप्त होंगे और उसके अनुसार ही विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था को भी रैंडमाइज किया जाएगा। यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि परीक्षा को पूरी तरह कदाचार रहित तरीके से संचालित किया जा सके। सभी जिलों में 4 आदर्श परीक्षा केंद्रों की स्थापना भी की गई है और उसके साथ साथ ही सभी 13,18,227 विद्यार्थियों के प्रत्येक विषय के कॉपीज को इंडिविजुअली परीक्षार्थियों के फोटो के साथ प्रिंट किया गया है और सभी विषयों के लिए परीक्षार्थियों को यूनिक व्यवस्था के अंतर्गत उनको उनके फोटोग्राफ्स के साथ में कॉपी दी जाएगी। कक्ष में विद्यार्थियों को सेट ए से लेकर सेट जे तक 10 सेट प्राप्त होंगे और उसके अनुसार ही विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था को भी रैंडमाइज किया जाएगा। यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि परीक्षा को पूरी तरह कदाचार रहित तरीके से संचालित किया जा सके। सभी जिलों में 4 आदर्श परीक्षा केंद्रों की स्थापना भी की गई है और उसके साथ साथ ही सभी 13,18,227 विद्यार्थियों के प्रत्येक विषय के कॉपीज को इंडिविजुअली परीक्षार्थियों के फोटो के साथ प्रिंट किया गया है और सभी विषयों के लिए परीक्षार्थियों को यूनिक व्यवस्था के अंतर्गत उनको उनके फोटोग्राफ्स के साथ में कॉपी दी जाएगी। यह व्यवस्था पूरे देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड द्वारा की जा रही है और सफलतापूर्वक इसको हम लोग लागू कर रहे हैं। इस वर्ष भी यही व्यवस्था रहेगी। इस बार पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सभी विद्यार्थियों को यूनिक कोड आवंटित किया गया है जो इस बार इस परीक्षा से इंटरमीडिएट परीक्षा से प्रारंभ होगा। यह यूनिक कोड इस प्रकार बनाया गया है 13 अंकों का जिसमें कि विद्यार्थी से संबंधित सभी सूचनाएं उस यूनिक कोड में अंकित रहेंगे। इसमें पहला जो कोड है डिजिट वह मैट्रिक या इंटर का रहेगा, अगले 2 डिजिट वर्ष के रहेंगे, उसका अगला डिजिट उसका जेंडर अर्थात लिंग का रहेगा, उसके अगले 2 डिजिट जिला कोड होंगे, उसके अगले 3 डिजिट विद्यालय कोड होंगे और अंतिम 4 डिजिट उस विद्यार्थी का यूनिक कोड होगा। और यह यूनिक कोड इस प्रकार से बनाया गया है कि कोई भी विद्यार्थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की किसी भी परीक्षा में जब वो अपियर होगा तो पूरी जिंदगी भर उस विद्यार्थी का यही यूनिक कोड रहेगा, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी विद्यार्थी का। अर्थात एक बार उसको इंटरमीडिएट परीक्षा में यह यूनिक कोड अलॉट किया गया तो यही कोड उसका इंटरमीडिएट में भी काम करेगा, यही कोड यदि आवश्यकता पड़ी तो कंपार्टमेंटल में भी काम करेगा, यही कोड भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो टीईटी में भी काम पड़ेगा और यही कोड यदि आवश्यकता पड़ी तो डीएलएड या अन्य किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशंस आईटीआई के एग्जामिनेशंस वे सभी तमाम प्रकार की परीक्षाएं जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आयोजित करता है उन सबों में यही एक यूनिक कोड जो उसको शुरू में प्रथम बार दिया जाएगा वह आवंटित किया जाएगा और इससे पूरी तरह से जो डुप्लीकेशन की या जो अन्य प्रकार की शिकायतें होती हैं रीअपियरिंग करने की उस तरह की पूरी संभावनाओं पर विराम लगाया जाएगा और यह यूनिक कोड उनके आधार नंबर और अन्य प्रकार के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से भी उसको लिंक किया जाएगा ताकि विद्यार्थी की आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सके और पूरी तरह से फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाकर नियंत्रण किया जा सके। इस प्रकार इस बार जो भी व्यवस्थाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा की जा रही है उसके लिए सभी प्रकार के आवश्यक कार्रवाइयां और भी उसको लिंक किया जाएगा ताकि विद्यार्थी की आइडेंटिटी वेरीफाई की जा सके और पूरी तरह से फर्जीवाड़ा पर लगाम लगाकर नियंत्रण किया जा सके। इस प्रकार इस बार जो भी व्यवस्थाएं
बिहार विद्यालय प्रशासन के द्वारा की जा रही है, उसके लिए सभी प्रकार के आवश्यक कार्रवाइयां और कदम इंतजाम उठाए गए हैं। इस बार पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा यह भी व्यवस्था की जा रही है कि विषयों के क्वेश्चन पेपर्स जो पहले सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट्स के कक्ष में खोले जाते थे, अब वह सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट्स के कक्ष में नहीं खोले जाकर विद्यार्थियों के सामने एग्जामिनेशन हॉल में खोले जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस वर्ष से की जा रही है कि सभी विषयों के प्रश्न पत्र अब जो पहले सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट्स के कक्ष में खोलकर कक्षों में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, अब उन प्रश्न पत्रों को विद्यार्थियों के सामने परीक्षा हॉल में ही, परीक्षा के रूम में ही खोला जाएगा और वहां पर खोलने के उपरांत टीचर्स का और विद्यार्थियों का भी हस्ताक्षर उस समय प्राप्त किया जाएगा समय के साथ, ताकि परीक्षा में पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे और किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं हो। मैं इस अवसर पर इस वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि वे अच्छे रूप से परीक्षा में भाग लेकर परीक्षा में सभी विषयों का उत्तर दें जो भी उनको निर्धारित किए गए हैं, और इसके साथ साथ ही इस परीक्षा के आयोजन में सभी जो जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के नोडल पदाधिकारी और सभी जिलों के विभिन्न शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारीगण और उनके विद्यालयों के विद्यालय प्रधान, उन सभी लोगों को भी मैं धन्यवाद और उनके प्रति शुभकामनाएं देता हूं जिनका पूरा सहयोग इस संपूर्ण परीक्षा व्यवस्था में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, और उन सभी के सहयोग से पिछले वर्षों की भांति भी इस वर्ष भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस आगामी इंटरमीडिएट परीक्षा को पूरी तरह से निष्पक्षता, कड़ाई के साथ सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कृतसंकल्पित।